लगाए, फास्ट टैग की लाइन से गाड़ी निकालेंगे तो आपको डबल टोल का भुगतान करना पड़ेगा। ये नियम 1 दिसंबर से देश भर के सभी टोल प्लाजा पर लागू हो जाएगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइन को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने कड़ा कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। 1 दिसंबर गाड़ी के लिए कैश लेन हर टोल पर सिर्फ एक ही रहने वाली है। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीके शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। 1 दिसंबर से 100% फास्टैग करने जा रहे हैं हम, बट फिर द पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो उसके लिए हम एक लेन को कैश लेन रख रहे हैं, ताकि और उनको भी पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि वो भी अपना फास्टैग बनवाएं, और उसको भी मतलब कोशिश ये है 1 दिसंबर से मैं पड़ेगा, बट कैश लेन में लेन बढ़ जाएगी तो पब्लिक वायलेशन कर सकते हैं। टोल प्लाजा पर फास्टैग बनवाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हर टोल पर स्थानीय वाहन मालिकों की समस्या से निपटने के लिए टोल कर्मचारी सक्रिय हो गए हैं। आसपास के गांव और गाड़ी मालिक से मिलकर टोल कर्मचारी उन्हें भी अपनी गाड़ियों पर फास्टैग लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। रोहट टोल के मैनेजर बलवीर सिंह ने बताया कि लोकल लोग अपने फास्टैग कनेक्शन को पास की तरह आप लोग फास्टैग इंस्टॉल करवाइए ताकि आपको लंबी लाइन में ना लगना पड़े। 1 दिसंबर से टोल बूथों पर लगने वाली लंबी लाइन फास्टैग लेन में भले ही कम हो जाए, लेकिन कैश लेन में लाइन काफी लंबी होने की आशंका जताई जा रही है। कैश लेन के साथ हर टोल पर एक लेन को इमरजेंसी के तौर पर भी रखा जा सकता है, ताकि अगर कैश लेन में लाइन लंबी हो जाए तो साथ वाली लेन को भी कैश लेन बनाया जा सके। बहादुर